जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त आधी रात को भी कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है और उसकी कीमत होती है। When you are ethically right, when you have a very clear, high and a pious thought, तो उसके आप उससे आपकी एक personality अगर अलग बनती है, आपका character वो भी एक अलग बनता है। आपकी personality आपके character, उसके लिए आपको कोई classes या tuition करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विचार ऊंचे स्पष्ट और पवित्र रखें और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखें, फिर आप परिणाम देखना। बिजनेस के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपके पास आएगा। व्यक्तियों के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास आएगा। प्रमुख स्वामी महाराज कभी दौड़े नहीं व्यक्तियों के लिए, वे सिर्फ 5 कक्षा पास थे लेकिन इस जीवन भावना से जीते थे सबका भला हो, अन्यों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष वे कहा करते थे, अन्य के सुख में हमारा सुख वे कहा करते थे। उसी प्रकार से वे जीवन जिए तो हम 1200 संत उनके पास आए और उनके हाथों से दीक्षा ली। हम जो 1200 संत है उसमें 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, और उनमें से हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन है। उनमें से हमारे 50 से भी ज्यादा संत इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, केलॉग, कैम्ब्रिज, ऐसी यूनिवर्सिटीज में। कहीं हमारे संत हैं वो 22-25 साल की उम्र में 1.5-2 लाख डॉलर की तनख्वाह छोड़ के आए। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए यहां चल पड़े। कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा होगा, कुछ जॉब नहीं मिलती होगी, तो सोच लिया कि चलो ये भगवे कपड़े पहन ले, सन्यास ले ले, तो कुछ 2 दिन में कुछ रोटी बोटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। और हम लोग जो ये बात करते हैं, ये हमारी पूरी संस्था के संचालन में हम सब संत जुड़े हुए हैं। हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस हम चलाते हैं। सो वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज एचआर, वी नो व्हाट इज सिस्टम। वो भी काम करते हैं और ये भी काम करते हैं, पूरा दिन वो काम करते हैं और शाम को ये प्रेरणा देने की काम करते हैं। दोनों अगत्य की बातें हैं। मैं ये बात करता था कि आपके विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखेंगे और आपके कार्यवाही में आप नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखेंगे। रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, मनी हैज टू कम टू यू। You become a natural object of attraction. आपकी personality, आपका character कोई और कक्षा पे पहुंच जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये थी personality और ये character था। जब उनका देहांत हुआ तब वे भारत के नायब प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त 750 रुपए थे। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कितनी प्रामाणिकता से वे जीवन जीते होंगे। मैं कई बार कहता हूं कि इस पदवी पे होते हुए भी जब उनका देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपए थे, इसीलिए 2200 करोड़ की मूर्ति बनी। ऐसे नहीं बनती 2200 करोड़ की मूर्ति, ऐसे नहीं बनती। ये पदवी पे होने के बावजूद भी बैंक अकाउंट सिर्फ 750 रुपए का था, इसलिए ये बनती, इसलिए लोग वहां जाते हैं। कहने की बात ये है कि व्हेन यू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर थ्रू योर थॉट्स एंड योर एक्शंस, रिसोर्सेस हैव टू कम। और ये प्रेरणाएं जब भी हम चाहे तब ले सकते हैं। हम निर्णय करें तब हमारा जीवन में परिवर्तन
जरूर आ सकता है। बाकी किसी का ले लेना, किसी को दगा करना, जो अपना नहीं है वहां हाथ डालना, वो तो एक कुत्ते का जीवन हुआ, बिल्ली का जीवन हुआ, पशु जीवन हुआ। कुत्ते और बिल्ली वही करते हैं। आप भी अगर वो कर लो कि नहीं, ये घर तो मेरे भाई का है, लेकिन किसी भी तरह ये घर ले लेना है, ये बिजनेस में वो है, लेकिन ये पार्टनरशिप किसी भी तरह मुझे ले लेनी है, ये जमीन बहुत अच्छी है लेकिन मेरी नहीं है, तो किसी भी तरह 7-12 के पेज में मेरा नाम डलवा दूंगा किसी भी तरह। कुछ भी ऐसा गलत किया, यू आर चीटिंग योर ओन कॉन्शियंस। वो तो एक पशु जीवन हुआ, कुत्ते जैसा जीवन हुआ। What sometimes dogs do at night on road, they fight and bark with at each other. 12 hours later, at 12 o'clock at noon the next day, corporates do on the 35th floor of the corporate building. करते तो वही है। सिद्धांत को जीवन में ये रखना है जो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात्र समान, इतने से हरी ना मिले तो तुलसीदास जमान। क्या ये बात गलत है? ये सनातन सिद्धांत है। मैं आपको मॉडर्न प्रसंग से, लॉजिक से ये बात बता सकता हूं। पर धन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल, जो धन आपका नहीं है उसे देखना भी नहीं चाहिए, स्पर्श या पालने की बात तो बहुत दूर रहेगी। डोंट इवन लुक एट इट। जो 3 प्रसंग मैंने आपको बताए, सत्यम के, सहारा के, किंग ऑफ द स्काइज के, अगर वे लोग ने ये बात तुलसीदास जी की मानी होती तो, कि पर धन पत्थर मानिए, तो जेल में नहीं होते। ये माना नहीं उन लोगों। अगर किसी ने उनको बताया होगा उस वक्त कि देखो तुलसीदास जी ने रामायण में ये बताया, हु इज तुलसीदास, व्हाट इज रामायण, ये आजकल के बच्चे करते हैं। दूसरी बात कही, पर स्त्री मात्र समान, ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कम वक्ता इस विषय पे बात करते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री इस पृथ्वी पे या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है या आपकी माता है। ये विचार से, ये पवित्रता से जीना है और वर्तन रखना है, क्योंकि समाज बहुत जागृत हो गया है।